सुनाओ, अब ये जो हमारा 7-hydroxyglycerolic एसिड है वो यहाँ पे चला गया, तो अब ये जो जिस्मोनिक एसिड होगा इसकी की जाएगी केमिकल मॉडिफिकेशन। क्या क्या केमिकल मॉडिफिकेशन की जाएगी? इसको मिथाइल जैस्मोनेट की फॉर्म में भी अब यहाँ पे हम कन्वर्ट कर सकते हैं। उसके अलावा इसको जैस्मोनिक एसिड आइसोल्यूसिन की फॉर्म में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, और इसको जैस्मोनिक एसिड अमाइनो एसिड की फॉर्म में भी रख सकते हैं। तो इसका मतलब यहाँ पे इसकी क्या हुई? केमिकल मॉडिफिकेशन हुई। किसमें हुई? साइटोसोल में। पेरोक्सीजोम में क्या हुआ? ओपीडीए से 7-hydroxyglycerolic एसिड बना और क्लोरोप्लास्ट में हमारा ओपीडीए बना। तो ये था आपका सिंपल सिंथेसिस, बायोसिंथेसिस ऑफ जैस्मोनिक एसिड। ठीक है, अब इसके लिए मैं आपको कुछ स्टेटमेंट्स देती हूँ, ठीक है, जो आपका सीएसआईआर के क्वेश्चन में आया हुआ है। ठीक है, तो कुछ स्टेटमेंट्स बताएंगे हम, तो देखेंगे कि वो स्टेटमेंट सही हैं या फिर नहीं है। ठीक है, तो पहली स्टेटमेंट आई हुई थी कहते कि 12 ऑक्सो फाइटो डाई इनोइक एसिड ये क्लोरोप्लास्ट में प्रोड्यूस होता है। ठीक है, और फिर ये ट्रांसफर्ड होता है पेरोक्सीजोम में। तो हम स्टेटमेंट का पोस्टमार्टम करते हैं। 12-ऑक्सोफाइटोडाइइनोइक एसिड क्या है? ये तो आपका ओपीडीए है, ये तो आपका ओपीडीए बन गया। ओपीडीए को हम कहाँ पर लेकर जाते हैं? पेरोक्सीजोम में। फिर कहाँ पर लेकर जाते हैं? साइटोसोल में। ये तो स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, तो ये स्टेटमेंट हमने ट्रू बोल दी। सेकेंड स्टेटमेंट आई हुई थी कहते कि ये तो लिपो ऑक्सीजनेज है और एलिन सिंथेस है। कहते कि ये सारे जो एंजाइम्स हैं, ये सारे एंजाइम्स आपके पेरोक्सीजोम में काम करते हैं, पर हमने तो बोला कि एलिन भाई साहब तो कहाँ रहते हैं? वो तो क्लोरोप्लास्ट में रहते हैं। तो ये स्टेटमेंट हमारी क्या हो गई? फॉल्स हो गई। ऐसे ही थर्ड स्टेटमेंट आई थी कहते कि 12-ऑक्सो जो फाइटो डिकनोइक एसिड है इसकी बीटा ऑक्सीडेशन होती है, और बीटा ऑक्सीडेशन के बाद ही जैस्मोनिक एसिड में कन्वर्ट होता है। इसको भी देख लेते हैं। 12-ऑक्सोफाइटोडिकनोइड, तो देखो जी 12-ऑक्सोफाइटोडिकनोइड कहाँ पे मिलेगा? यही है 12-ऑक्सोफाइटोडिकनोइड, हमें कंफ्यूज करने की कोशिश है। इसी की क्या होती है? बीटा ऑक्सीडेशन होती है, उसके बाद ही कन्वर्ट होता है। हैवी सारे हैवी कंपाउंड्स की बीटा ऑक्सीडेशन के बाद ही सिंपलर फॉर्म बनेगी। तो ये भी हमने क्या बोल दिया कि बिल्कुल ट्रू है, सही बात बोल रहे हैं आप। ठीक है, फिर उन्होंने एक बोल दिया कि अगर एलिन सिंथेस, चलो आपने बोला कि पेरोक्सीजोम में नहीं मिलता, तो उन्होंने बोला कि एलिन सिंथेस इज फाउंड इन क्लोरोप्लास्ट। तो क्या ये स्टेटमेंट आपको सही लगती है? जी हाँ, ये मेरी गट को बहुत बिल्कुल सही लगती है, क्योंकि अभी तो हमने पढ़ा कि एलिन भाई साहब कहाँ रहते हैं? क्लोरोप्लास्ट में रहते हैं। तो ये स्टेटमेंट भी हमारी क्या हो गई? सही हो गई। तो ये हमने क्या देखी? जैस्मोनिक एसिड की बायोसिंथेसिस। अब अगर आपको ये चीज़ थोड़ी सी डिफिकल्ट लगी, तो इसको मैं थोड़ा सा और सिंप्लीफाई वे में लिखती हूँ, विच इज़ एन अल्टरनेट मैकेनिज्म, जो आप अल्टरनेटिवली याद कर सकते हो अगर आपको इतना हैवी डोज जो है वो याद नहीं करना। तो उसमें हमने क्या किया कि सबसे पहले हमारे पास अल्फा लिनोलिक एसिड आया। अल्फा लिनोलिक एसिड हमने कहाँ से निकाला? मेम्ब्रेन लिपिड से निकाला। उसके बाद हमने क्या किया था कि इसकी ऑक्सीडेशन हो रही थी। ऑक्सीडेशन होने के बाद हमारे पास क्या बन रहा था? परऑक्साइड बन रहा था। फिर हमने देखा था कि इस परऑक्साइड की रीअरेंजमेंट कर रहा था। रीअरेंजमेंट भी कौन कर रहे थे? ये भी हमारे एलिन भाई साहब कर रहे थे। रीअरेंजमेंट के बाद हमारा क्या बना था? एलिन ऑक्साइड। फिर ये एलिन ऑक्साइड की हमने फिर से क्या की थी? फिर से रीअरेंजमेंट की थी। रीअरेंजमेंट में हमने क्या बोला था कि साइक्लाइजेशन हो रही है ना, तो उस साइक्लाइजेशन के बाद हमारा क्या बना था? ओपीडीए। ये ओपीडीए क्या है? इसको आप बोल सकते हो 12-ऑक्सोफाइटोडाइइनोइक एसिड, और ये 12-ऑक्सोफाइटोडाइइनोइक एसिड फिर उसके बाद ये कहाँ पे जा रहा था? ये आपका जा रहा था पेरोक्सीजोम में। पेरोक्सीजोम में इसकी क्या हो रही थी? यहाँ पे इसकी हो रही थी बीटा ऑक्सीडेशन। बीटा ऑक्सीडेशन के बाद ये बन रहा था आपका 7-isojasmonic acid। ठीक है, फिर उसके बाद क्या हुआ? फिर ये कहाँ पे गया? फिर ये गया साइटोसोल में। फिर ये गया साइटोसोल में, यहाँ पे था ये पेरोक्सीजोम में। साइटोसोल में जाने के बाद इसकी क्या होगी? केमिकल मॉडिफिकेशन
और केमिकल मॉडिफिकेशन के बाद क्या बना, जैस्मोनिक एसिड और उसके डिफरेंट डिफरेंट जैस्मोनेट्स। तो यहाँ पे हमारा जैस्मोनेट तैयार हो चुका है, ठीक है। सो दिस वॉज ऑल अबाउट जैस्मोनिक एसिड बायोसिंथेसिस, ठीक है। अब इसके बाद हमारा जो एक पार्ट रह जाता है, डैट इज ट्रांसपोर्ट एंड जैस्मोनिक एसिड सिग्नलिंग, ठीक है। अब हम वो कंटिन्यू कर लेते हैं। ओके, सो नेक्स्ट वी हैव इज जैस्मोनिक एसिड सिग्नलिंग। अब जैस्मोनिक एसिड की सिग्नलिंग करने से पहले थोड़ा सा ट्रांसपोर्ट देख लेते हैं। जैस्मोनिक एसिड का जो ट्रांसपोर्ट था ना, वो हमें जो पहले पता था वो था शॉर्ट डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट और हमें पता था लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट। इसका मतलब कि वो एपोप्लास्ट के थ्रू, हमने देखा कि वो एपोप्लास्ट के थ्रू भी मूव करता था। हमने देखा कि कंपेनियन सेल्स में भी उसका अमाउंट थोड़ा सा डिटेक्ट किया गया था। तो इसका मतलब वो इन दोनों जगह से ट्रांसपोर्ट हो रहा था हमारे लीव्स के सारे पार्ट में। पर एक बार हमने एक एक्सपेरिमेंट किया तो हमने देखा कि 1 to 2 सेंटीमीटर जैस्मोनिक एसिड जा सकता है एक घंटे के कुछ राउंड। ये 1990s वाला ही एक्सपेरिमेंट है। तो ऐसा कैसे हो गया कि 15 मिनट में जो जैस्मोनिक एसिड है वो जो हमारा प्लांट था उसके सारे पार्ट में देखने को मिल गया। तो कोई और ऐसा मैकेनिज्म है जो फ्लोइम और उसमें कंपेनियन सेल्स के थ्रू मूव करने के अलावा, एपोप्लास्ट के मूव करने के अलावा कोई और भी चीज़ है जो इसकी मूवमेंट को बढ़ा रहा है? और हमें पता लगा कि इस शॉर्ट डिस्टेंस और लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट के अलावा एक और ट्रांसपोर्ट है, डैट इज़ एयरबॉर्न ट्रांसपोर्ट। तो उसने देखा कि एयरबॉर्न ट्रांस, क्योंकि हमने बोला था ना स्टार्टिंग में कि मिथाइल जैस्मोनेट क्या है, एक वॉलेटाइल सब्सटेंस है। तो ये वॉलेटाइल सब्सटेंस क्या करता है, अगर कोई हमारा लीव जो है वो डैमेज हो गया है, इंजरी हो गई है, तो वहाँ पे ये एयरबॉर्न मूवमेंट करके जो वाले लीव्स हमारे साफ़ हैं वहाँ तक सिग्नलिंग पहुँचानी है, वहाँ तक ये मूव कर जाता है। तो ये हमने इसके ट्रांसपोर्ट में देखा था, ठीक है, कि फ्लोइम सिग्नल भी एक इकलौता जो चीज़ है वो ऑपरेट यहाँ पे नहीं कर रही, ठीक है। तो अब हमारा जो नेक्स्ट पार्ट रह गया है, दैट इज़ अ वेरी सिंपल पार्ट। तो यहाँ पे हमारी है सिग्नलिंग, सिग्नलिंग ऑफ जैस्मोनिक एसिड, हम अभी देख लेते हैं। तो सिग्नलिंग में कुछ नहीं है, सबसे पहले हम देखेंगे इसका रिसेप्टर कौन है। इसका रिसेप्टर भी हमारा है कोरोनेटिव, कोरोनेटिव इनसेंसिटिव, इनसेंसिटिव, दैट इज COI1। ये इसका रिसेप्टर है, जैस्मोनेट रिसेप्टर है, और ये किसको बिलोंग करता है, SCF वाली कैटेगरी को ये बिलोंग करता है, ठीक है। अब ये अपने बताया कि जो जैस्मोनिक एसिड है वो किसके साथ कॉन्जुगेट की फॉर्म में घूमता रहता है, आइसोल्यूसिन के साथ ही घूमता रहता है, ठीक है। तो जब हमारा जैस्मोनिक एसिड आइसोल्यूसिन के साथ होगा वो इसके साथ फिर इंटरेक्शन करवाता है, ठीक है। और इसका अगर मैं रिप्रेसर की बात करूँ तो हमारे पास जो यहाँ पे विलेन होता है डैट इज जैज, जैज इज जैस्मोनेट, जैस्मोनेट जिम डोमेन, जिम डोमेन प्रोटीन्स, ठीक है। तो क्या होगा कि जब हमारा जो जैस्मोनिक एसिड आइसोल्यूसिन है वो रिसेप्टर के साथ जाएगा, ये रिसेप्टर के साथ SCF प्रॉपर्टी है और ये इसको क्या कर देगा, डीग्रेड कर देगा, तो हमारा रिप्रेसर ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। और जो ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर यहाँ पे एक्टिवेट होता है डैट इज MYC। तो देख लेते हैं क्या हुआ। सबसे पहले जैस्मोनिक एसिड आएगा, वो बाइंड करेगा, ये हमारा आ गया, तो ऐसा कुछ सिनेरियो बना हुआ है, ऐसा कुछ सिनेरियो बना हुआ है कि ये है हमारा रिप्रेसर आतंकी, डैट इज जैज, ठीक है। और इस जैज ने क्या करके रखा है, हमारे MYC को कब्जे में करके रखा है, ठीक है। और इस MYC के साथ ये MYC क्या करता है, ये ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर है फॉर जैस्मोनिक एसिड रिस्पॉन्सिव जीन्स के लिए, ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर की तरह ये एक्ट करता है, ठीक है। अब उसके बाद अगर ये तीनों का कॉम्प्लेक्स है तो यहाँ पे कोई ट्रांसक्रिप्शन नहीं होगी और हमारी सिग्नलिंग नहीं चलेगी। तो हमने क्या किया कि जब अब ये तो तब है जब जैस्मोनिक एसिड नहीं है, नो जैस्मोनिक एसिड, जब जैस्मोनिक एसिड प्रेजेंट होगा
ठीक है, तब क्या होगा कि जस्मोनिक एसिड इंटरैक्ट करेगा अपने रिसेप्टर के साथ, और इसका जो रिसेप्टर है डैट इज योर CON1, अभी देखा हमने CON1 इसका रिसेप्टर था, ठीक है, तो ये अपने COI1 के साथ इंटरैक्ट करेगा, और इसके साथ क्या लगा हुआ है, जस्मोनिक एसिड आइसोल्यूसिन की फॉर्म में लगा हुआ है। अब इसके पास कौन सी प्रॉपर्टी है, SCF की प्रॉपर्टी है। अब ये इसके पास जाएगा और यहाँ पे जैस की कर देगा डिशुम, इसको कर देगा इनएक्टिव, और हमारा MYC करेगा यस नाउ आई एम फ्री, और MYC फ्री हो जाएगा। MYC फ्री हो गया तो ट्रांसक्रिप्शन हमारी हो जाएगी, ठीक है। तो सिंपली हमारा क्या हुआ, जस्मोनिक एसिड आया, जस्मोनिक एसिड अपने रिसेप्टर के साथ बाइंड किया, फिर क्या हुई, डिग्रेडेशन हुई। डिग्रेडेशन किसकी हुई, जैस की डिग्रेडेशन हुई, और MYC की क्या हुई, एक्टिवेशन हुई, और देन चेंजेस इन द जीन एक्सप्रेशन जो कि प्रमोट करेंगे जस्मोनिक एसिड सिग्नलिंग को, ठीक है। सो दिस वॉज जस्मोनिक एसिड पाथवे। अब इसके फंक्शंस के बारे में कुछ देख लेते हैं कि इसके फंक्शंस में क्या क्या चीज़ है। तो जो जस्मोनिक एसिड है, दिस जस्मोनिक एसिड, सबसे पहले इसका रोल देखने को मिलता है सेनेसेंस में। हमने ऑब्जर्व किया कि जो हमारा यंग प्लांट है, और जो हमारा सपोज 10 वीक्स हमारा यंग प्लांट है और एक को 20 वीक्स हो गए, तो हमने देखा कि इसमें जस्मोनिक एसिड का अमाउंट कम था पर इसमें उससे और ज़्यादा था। तो जैसे जैसे सेनेसेंस होती है वैसे वैसे ये बढ़ता जाता है, ठीक है। उसके अलावा हमने इसका रोल देखा कि डैट इज योर एक होते हैं ट्राइक्रोम्स। ट्राइक्रोम्स क्या होते हैं, अगर आपको इसका सर्च करना गूगल के ऊपर, आपको देखने को मिलेगा कि कुछ फ्लावर्स के ऊपर, लीव्स के ऊपर कुछ स्पाइक्स देखने को मिलेंगी, कहीं कहीं पे कुछ ऐसे स्ट्रक्चर्स मिलेंगे, मतलब डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रक्चर्स होते हैं जो कि उनको ट्रांसपिरेशन से हेल्प करते हैं, स्ट्रेस से प्रिवेंट करते हैं, ठीक है। उसके अलावा इसका देखने को मिला था कि जहाँ पे ये प्रेजेंट होगा ये टेंड्रिक कॉइलिंग में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, टेंड्रिल्स की कॉइलिंग करता है, ठीक है। सीड ट्रीटमेंट अगर आप दोगे जस्मोनिक एसिड से तो फिर ये क्या करेगा, एंटी पेस्ट डिफेंस के लिए काम करने लग जाता है, और ये इनिबिट करता है रूट की ग्रोथ को। इट इनिबिट रूट ग्रोथ, रूट की ग्रोथ को इनिबिट करके किसकी फॉर्मेशन इंड्यूस करता है, ट्यूबर्स की फॉर्मेशन इंड्यूस करता है। टेंड्रिल्स कॉइलिंग का मैंने आपको बता दिया, ठीक है। ये टेंड्रिल कॉइलिंग कब इंड्यूस होती है, अगर वहाँ पे कोई मैकेनिकल स्टिमुलेशन हो जाए, ठीक है, तब इंड्यूस हो जाती है, ठीक है। उसके अलावा ये मैंने आपको बता दिया कि इंजरी के टाइम पे ये एक्टिव होगा, ठीक है। फिर उसका इसका थोड़ा सा रोल आपको देखने को मिलता है, बोल सकते हो कि हर्बीवोरी प्रोटेक्शन में इसका रोल आ जाएगा, ठीक है। सो दिस वाज अबाउट द फंक्शंस ऑफ जस्मोनिक एसिड। सिग्नलिंग हमने कर ली, इसकी थोड़ी सी स्टोरी के बारे में पढ़ लिया, ठीक है। सो दिस वाज ऑल अबाउट जस्मोनिक एसिड। जो भी क्वेश्चंस आए हुए हैं इन्हीं के बीच में से आए हुए हैं, इसके अलावा कहीं से नहीं आए हुए। एक चीज़ रहेगी दैट इज म्यूटेशन, वो भी देख लेते हैं। देखो करते हैं, चलो अगर आपका वाइल्ड टाइप सारा सिस्टम चल रहा है और जस्मोनिक एसिड है तो क्या होगा, फास्ट लीव सेनेसेंस होगा, मतलब वो एज करेगा क्योंकि जस्मोनिक एसिड उसमें है। अगर जस्मोनिक एसिड नहीं होगा तो वहाँ पे डिले हो जाएगी एजिंग में, ठीक है, या फिर एजिंग के सिम्टम्स वगैरह नहीं आएंगे। तो अगर COI1 में म्यूटेशन हो जाए तो मतलब हमारी जस्मोनिक एसिड की सिग्नलिंग नहीं चलेगी, इज इट राइट, ठीक है। जस्मोनिक एसिड की सिग्नलिंग वहाँ पे नहीं देखने को मिलेगी, और अगर जस्मोनिक एसिड की सिग्नलिंग नहीं देखने को मिली तो क्या होगा, जस्मोनिक एसिड की सिग्नलिंग क्या करवा रही थी, जस्मोनिक एसिड की सिग्नलिंग सेनेसेंस करवा रही थी। और अगर COI में म्यूटेशंस होता है डिस्पाइट द अकमलेशन ऑफ जस्मोनिक एसिड नेचुरल और डार्क लीव सेनेसेंस में, द हार्मोन इज एसेंशियल फॉर इनिशिएशन और प्रोग्रेशन ऑफ सेनेसेंस, ठीक है। मतलब सेनेसेंस के लिए जस्मोनिक एसिड हमें चाहिए, और जस्मोनिक एसिड सिग्नलिंग तब ऑपरेट करती है जब हमारे पास रिसेप्टर वगैरह सारे अच्छी फॉर्म में प्रेजेंट होता है। तो COI जो म्यूटेंट होते हैं, मतलब जिनके अंदर COI की म्यूटेशंस होती हैं, वो डिलेड लीव
सेनेसेंस को नहीं वो करते, शो करते, मतलब इनके केस में जो सेनेसेंस है वो डिले हो जाती है। और अगर आपकी सेनेसेंस डिले हो जाए तो मतलब पत्ते वगैरह लेट झड़ेंगे, वो हमारा एज ही नहीं होगा, ठीक है, एजिंग के वहाँ पे सिम्टम्स ही नहीं दिखेंगे, तो वहाँ पे डिले इन एजिंग जो है वो नहीं देखने को मिलेगी, सेनेसेंस जो है वो नहीं आएगी, मतलब डिले हो जाएगा सेनेसेंस में, आप बोल सकते हो नो डिले इन एजिंग, मतलब कि वो बूढ़ा नहीं होगा, वो थोड़ा सा यंग ही रहेगा। सो दैट वॉज अबाउट जेसमोनिक एसिड। थैंक यू एवरीवन।